वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल कंजूट टिप पर। तो हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कीबोर्ड यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड ओवर करने लगता है, या किसी हम फाइल को तैयार करते हैं या पीडीएफ देखते हैं तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो इतना स्पीड ओवर करने लगता है कि वो सबसे लास्ट में पहुँच जाता है। कई कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं तो अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो सिर्फ एक बार ही वर्क करता है, लगातार वो वर्ड्स नहीं डिलीट होते हैं। तो इस चीज़ को किस प्रकार फिक्स नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को हम किस प्रकार फिक्स कर सकते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर जाने से वीडियोज देखने के लिए। सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको चले आना है, यहाँ पर दिया गया है विंडोज़ का जो आइकन है स्टार्ट मेनू पर, आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर चलाना सेटिंग पर चले आना है। और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिया गया एज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है और आपको यहाँ पर चले जाना है नीचे कीबोर्ड के ऑप्शन पर। तो कीबोर्ड के ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा और आपको सबसे लास्ट में चले आना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया यूज फिल्टर कीज। अगर आप यहां पर देख सकते हैं जब आपके पीसी या लैपटॉप में जब फिल्टर कीज ऑन रहते हैं तो यहां पर एक प्लस टाइमर कीज ऑन रहता है, तो जब भी आप दबाते हैं तो वो वर्ड सही ढंग से ही काम नहीं कर पाता या कुछ भी प्रॉब्लम जैसे होती रहती हैं तो आपको जो परफेक्ट वर्क आपको नहीं प्रोवाइड कर पाता, जिस कारण वजह से आपको ये इशूज़ झेलने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है यूज फिल्टर कीज़ का ऑप्शन, तो देख सकते हैं ये ऑन है तो आपको इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कीबोर्ड टाइम लेता है। अगर किसी चीज़ को अगर आप बैक स्पेस यूज कर रहे हैं तो अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं किसी वर्ड्स को, लिखे हुए टाइप किए हुए वर्ड्स को, तो वो डिलीट होने में टाइम लगेगा। इस प्रकार ये वर्क करते हैं यूज फिल्टर कीज़, ये आपके स्पीड को धीमा कर देते हैं या काम करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार यूज फिल्टर कीज़ वर्क करते हैं। तो इस प्रकार आप इसे ऑफ करके अपने सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से वर्क करेगा, जो पहले सेटिंग थी वो पहले जैसे हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की सुस्त नहीं होगी चलाने में। इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर को फिक्स कर सकते हैं और कीबोर्ड और माउस दोनों को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर जाने से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए, आपको वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू ट्रिक्स और वीडियोस के साथ।